तो सभी से प्रार्थना है एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और 5-7 मिनट विचारों को ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद आदर और सम्मान के योग्य स्वामी रामेश जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी यमुनानगर से, श्री सूर्यदेव आर्य जी प्रधान शिक्षक, श्री किशन रिया जी कार्यक्रम संचालक, वीरेंद्र योगाचार्य जी, हिसार से ईशारे जी, करनाल से अनंत सिंह आर्य जी, सत्यन्द्र मोहन कुमार जी, अजय आर्य जी, रोशन आर्य जी, फरीदाबाद से वीरेंद्र योगाचार्य जी, हरिओम दलाल जी बहादुरगढ़ से और अन्य सौरभ आर्य जी यमुनानगर से, दिल्ली से राम कुमार जी, अरुण आर्य जी, गौरव झा जी, सभी साथियों को नमस्ते करते हुए बात करूंगा। वतन की आबरू का पास देके कौन करता है, वतन की आबरू का पास देके कौन करता है, सुनाने आज मरतल में हमारा इम्तहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहले से धरते वतन के, जाने वाले वतन में कहां तू कहां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन में मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जो अपनी ही जमीन होगी अपना आसमां होगा। उपस्थित आर्य बंधु केंद्र से हरियाणा के सम्मेलन के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज पूरा आर्य जगत, पूरा विश्व महान क्रांतिकारी, महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती मना रहा है। 7 फरवरी को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परिषद के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किया। इस प्रकार यह सिलसिला कहीं ना कहीं पूरे देश भर में चलता रहा है। आज स्वामी दयानंद जी के चिंतन को, स्वामी दयानंद की विचारधारा को, उनके विचारों को आम आदमी तक, युवा शक्ति तक पहुँचाने की आवश्यकता है, जिसके लिए आवश्यकता है कि आगामी मई और जून की छुट्टियों के अंदर हर शाखा, हर समाज, हर जिला विशाल आर्य युवक चंद्रमा शिविर और युवतियों के शिविर लगाए। जब तक आर्य समाज की द्वितीय पंक्ति तैयार नहीं होगी, किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। जाग जाता है देश जब जवानी जाग जाती है, जाग जाता है देश जब जवानी जाग जाती है, बहुत भी शर्मा जाती है जो जवानी रंग लाती है। प्रभु ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, प्रभु ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना ख्याल जिस कौम को अपनी हालत बदलने का। महर्षि दयानंद जी महान विचारक थे, महान क्रांतिकारी थे, आर्य समाज की स्थापना कर उन्होंने वेदों वाला ऋषि कहा जाता है, वेदों की पुनर्स्थापना की। उसके साथ साथ उन्होंने पखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, रोगियों के खिलाफ सीधा प्रहार किया। उन्होंने व्यक्ति के सोचने और समझने की दिशा बदल डाली, उन्होंने व्यक्ति में तर्क शक्ति का विकास किया कि तर्क की कसौटी पर सत्य को स्वीकार करो, बिना तर्क के किसी बात पर मत स्वीकार करो। ये विशेषता केवल स्वामी ज्ञान में मिलती है, अन्यत्र नहीं मिलती। आर्य समाज कभी यह नहीं कहता कि बाबा ने कहा या स्वामी जी ने कहा, मान लो आर्य समाज कहते पहले सत्य के धरातल पर, वेदों की कसौटी पर बात को पर को यदि अच्छी लगे तो मानो, नहीं तो मत मानो। बहादुर कब किसी का आश्रय शान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आश्रय शान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ढाल लेते हैं। साथियों, देश के जाति के अंदर जेल जाने में लोग, कांग्रेस के इतिहास का डॉक्टर सीता जी भैया लिखते हैं 80-85% आर्य समाज और बहिष्कार की विचारधारा के देन थे, लेकिन आज इस बात को घर घर पहुँचाने की आवश्यकता है। हैदराबाद के आंदोलन के अंदर आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आर्य समाज ने हैदराबाद का आंदोलन ना लड़ा होता, हजारों लोग बलिदान ना होते, कई लोग जेलों में ना जाते, तो कांग्रेस के इतिहास के साथ, इतिहासकार के साथ साथ सरदार पटेल ने भी स्वीकार किया। आर्य समाज ने जो हैदराबाद के आंदोलन के माध्यम से बीज डाला, उस माध्यम से ही मैं 500 रियासतों को इकट्ठा करने का काम आया, काम कर पाया। लेकिन इस बातों को आज पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता, सोशल मीडिया में नहीं पढ़ाया जाता, और आर्य समाज के लोग संध्यावंत जीवित रह जाते हैं। केवल संध्यावंत हमारा कर्म है, वो करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ
आर्य समाज की उपलब्धियों की, वैश्य निधन के कार्यों की चर्चा नई युवा शक्ति के माध्यम से हो। आप संकल्प लें, हर व्यक्ति स्वामीनाथ के 100-100 लोगों को जीवनी बांटेगा, 100 सत्याग्रह कांड बांटेगा, चाबी के छल्ले छुपा के बांटेगा, स्वामीनाथ जी के कलेक्टर पहुँचाएगा। एक साल के अंदर कुछ ना कुछ संकल्प लेके जाएंगे कि घर घर ऋषि जान का संदेश पहुँचे, ताकि आज का कार्यक्रम करना सार्थक हो। साथियों, पखंड अभी बढ़ रहा है, अंधविश्वास अधिक बढ़ रहा है, रूढ़ियाँ बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार कल की घटना परसों की थी कि 30 करोड़ का व्यक्ति का मालिक और उसके माँ बाप ने केस किया कि बच्चे हमें रोटी नहीं दे रहे। ऐसी संस्कार दिल्ली के बुराड़ी के अंदर घटना होती है, 2 लोग एक ही परिवार के पखंड के चक्कर में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो आर्य समाज के मैं समझता हूँ पहले से कहीं आदेश की आवश्यकता है। फिर महर्षि दयानंद के सेनाने का कर्तव्य बनता है कि वो जागरूक नागरिक बने। आप देश के चौकीदार हैं साथियों, या देश की आजादी के अंदर राम प्रसाद देशमुख, चंद्रशेखर आजाद, श्याम जी कृष्ण वर्मा, करदार सिंह सराफा, अनेकों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। किसी को काले पानी की सजा मिली, किसी को फांसी की सजा मिली, तब तक देश आजाद आई। आज फिर राष्ट्रीय एकता घटता खतरे में दिखाई देती है। आज देश विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं, आज देश की अखंडता को चुनौती देने वाले लोग सिर उठा रहे हैं। तो आर्य समाज देश का चौकीदार है, आर्य समाज देश का मालिक है, जिसने देश को बनाया है। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपने युवक युवतियों को, पोते पोतियों को, धोते धोतियों को आर्य समाज रूपी आंदोलन से जोड़े। आर्य समाज मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। एक एक आर्य समाज का व्यक्ति एक क्रांतिकारी है, पूरे इलाके को, पूरे मोहल्ले को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की कि हम संकल्प लें और उसको पूरा करने का संकल्प लें। आज राष्ट्र विरोधी ताकतें के नारे लगते हैं, भारत मेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की चुनौतियाँ और किसी के लिए नहीं है, आर्य समाज के लिए, क्योंकि आर्य समाज ने देश को आजादी दिलाई। तो मैं इतना ही आह्वान करता हूँ कि आप वही जोड़ की छुट्टियों के अंदर स्वामी जी का संदेश नई युवा पीढ़ी के अंदर पहुँचाने के लिए कृत संकल्प होंगे। अनेकों शिविर स्थान स्थान पर लगाएंगे और युवा शक्ति को आर्य समाज की विचारधारा के साथ जोड़कर देश का कायाकल्प करेंगे। फिर किसी अंग्रेजी लेखक को लेकर मजबूर होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आर्य समाज है वहाँ मुझे काक दिखाई देती है, प्राग समाज की सब रवि को नाश करके रखेगी। समय हो चुका है, मैं केंद्रीय क्षेत्र दिल्ली की ओर से आर्य समाज की शिरोमणि संस्था सार्वजनिक सभा का उपप्रधान बनाते विश्व के समस्त आर्य समाजों की ओर से आप सबको साधुवाद बधाई देता हूँ। कोरोना के बाद हम और निकले मैदान के अंदर, कोरोना के अंदर एक वातावरण शून्य हो गया था, भाई भाई पिता माते थे दूर होते जा रहे थे, रिश्ते हमारे टूट रहे थे। कोरोना के बाद सफल आयोजन के लिए मैं केंद्रेश्वर जीत की पूरी टीम को, सूर्य देव जी, कृष्ण दैया जी, विद्यासागर जी, योगेंद्र जी, वीरेंद्र जी, सब साथियों को बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। आशा करता हूँ सब मिलकर मेरे सिद्धांत के सपनों का एक आर्य समाज बनाएंगे, जहाँ कोई पकड़ नहीं होगा, कहीं विश्वास नहीं होगा, एक अच्छे समाज का सृजन करेंगे। यही हमारा सबका उद्देश्य है। 2 वाक्यों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक अनेक भी बहुत होगी बाकी है, भारत की आज़ादी को गुमनाम नहीं होने देंगे, गुमनाम नहीं होने देंगे। तो नारे लगाएंगे मेरे मिलकर, एक उत्साह और जोश के साथ घरों में जाएं। अब जिस उत्साह के साथ आए थे उसी उत्साह के साथ जाके काम करेंगे। अपनी गली मोहल्ले में हर व्यक्ति अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, पिछड़े क्षेत्र के अंदर, और जहाँ जहाँ ऐसी एरिया जहाँ लोग नहीं जाना पसंद करते, वहाँ जाकर हवन को डरी लेकर छोटे छोटे 20-20 से लोगों को मिलाकर हवन करेंगे, स्वामीनाथ की जीवनी बांटेंगे, सत्याग्रह की किताबें बांटेंगे, चाबी के छल्ले कैलेंडर बांटेंगे और घर घर संदेश पहुँचाने हैं। यही आज संकल्प लेके जाएंगे। 2 नारे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भोजगत वैश्य चरण की, आर्य समाज, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। ये तो लाहौर जाए, कराची जाए, ये उसका जो भारत माता का काफी के भारत का गुणगान करता है उसका इस धरती पर स्वागत है। भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं दो पंक्तियों के साथ। बजा जिंदगी का कुछ वही जानते हैं, बजा जिंदगी का कुछ वही जानते हैं जो बहुत को जिंदगी जानते हैं, नहीं जानते कि अंजाम क्या है, मरना महज जिंदगी जानते हैं। ओम शक्ति, धन्यवाद।